व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता रहता हूँ, लेकिन आज जो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला हूँ ना, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले है। मेरी 3 साल में जितने भी गेम्स खेले ना, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सामने वाले जो बंदे थे ना, वो सबसे खतरनाक बंदे थे। बहुत तगड़े तगड़े बंदे आए थे, स्ट्रैटेजी लगा के मेरे को मारना चाह रहे थे, लेकिन मैं कैसे उनसे बचा, कैसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो को। लास्ट तक देखना, एकदम खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको समझाने वाला है उसके अंदर। जैसे जैसे मैं खेलता रहूँगा आपको बताता रहूँगा क्या स्ट्रैटेजी लगाया मैंने। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, ये गेम का स्टार्ट होती है पुर्गेटोरी मैप के अंदर, और यहाँ पर मैं उतरता हूँ ब्राजीलिया के 7 घर के अंदर। सो गाइस, गेम स्टार्ट होते ही मुझे किंग फिशर मिल जाती है और MP40 मिल जाती है, और यहाँ पर मेरे को चाहिए था स्टार्टिंग में आर्मर, क्योंकि मैं दूर जाने वाला हूँ। जितने में मैं उसके पास पहुंचूंगा, अब उसने ऑलरेडी आर्मर वगैरह लूट लिया होगा, तो मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी मैं उससे फाइट करूँ। तो जैसे मैं आर्मर वगैरह लूटता हूँ, सीधा उसके घर पर पहुंच जाता हूँ। अब गाइस देखना, सीधा सीधा मैं भाग के नहीं जाऊँगा, एकदम लेफ्ट साइड से भाग के जाऊँगा ताकि वो मेरे को देख ना पाए। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इस कॉर्नर पर देखता हूँ, क्योंकि चमत्कारी लोग यहीं पर छुप के बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं मिलता। थोड़े सेकंड बाद मेरे को पता चलता है कि ऊपर जो विंडो थी वहां से मेरे को बंदा जाता हुआ दिखता है। इसके बाद मैं साइड से इस पे हल्ला बोल देता हूँ, मेरे को पता था कि ऊपर से इतना जल्दी नहीं मार पाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, गाइस देखना, ऊपर जाके नीचे आ जाऊंगा ताकि वो मेरे को फायर करे। यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर आके मैं इस पे बैठ जाता हूँ, क्या पता सामने बैठा हो, लेकिन वहां पर भी नहीं बैठा। अब मैं लेफ्ट वाले कमरे में चेक करूंगा कि वहां पर कोई है या नहीं, तो मैं एकदम कवर टू कवर जाऊंगा ताकि वो मेरे को एक सेकंड के लिए ना मार पाए। तो यहाँ पर भी मेरे को नहीं मिलता, मुझे पता चलता है कि ऊपर बैठा है। सो इसके लिए मैं स्टेयरकेस वाले ट्रिक का यूज करूंगा, जो कि मैं 1 साल से बता रखा है, ऊपर जाना है नीचे आना है ताकि वो फायर करे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो फायर करते ना, पहले से रेडी था, कुछ ज्यादा रेडी था, इसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दी थी, लेकिन मैं इसको कैसे ना कैसे करके हेडशॉट चिपका देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा एक कुल हो चुका है, और जैसे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक नीचे बंदे मिलते हैं। एक मेरे लेफ्ट साइड में पीछे से रश करने वाला था, तो मैं सोच रहा था जल्दी से इस पर रश करूँ ताकि पीछे वाला मेरे को ना मार दे। अब यहाँ पर दोनों बंदों को शायद मेरी लोकेशन पता चल गई है, अब यहाँ पर वो ऊपर छुप के बैठा है। अब गाइस देखना, ग्रेनेड का यूज करूंगा मैं, एक एक चीज का मैं एकदम खतरनाक यूज करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने एक नेड फेंका और मुझे लग नहीं रहा था कि मरने वाला है, लेकिन ये डाउन हो चुका है। अब दूसरा बंदा मेरे को पता है कि लेफ्ट साइड से आने वाला है, और जैसे ही मैं इसका वेट करता हूँ ना, वो पीछे से बंदा आ जाता है, पता नहीं कैसे आता है, एकदम से आ जाता है। अब जैसे ही वो आया, अब मेरे मुंह के सामने आ गया, और यहाँ पर उसने लैंडमाइन वगैरह लगा रखी थी, लेकिन मेरे को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ही वो जैसे ऊपर आता है, मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पर मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जैसे ही वो नीचे जाता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ, और उसको जाकर सीधा इसको भी हेडशॉट में चुका देता हूँ। एक हेडशॉट लगा था, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा कवर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को और भी बंदों की आवाज़ आ रही है, और मुझे पता था कि इसको जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो वो पीछे वाले बंदे आके मेरे को दोनों एक साथ रश करके मार देंगे, और शायद रिवाइव भी हो सकते थे। लेकिन जैसे ही बंदा आता है, अब मैं नीचे चला जाता हूँ, और ये बंदा फायर कर रहा होता है, और यहाँ पर मैं एक फ्लैशबैंग मारता हूँ। अब क्या देखना, वो बंदा भी एकदम पागल हो चुका है, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता हूँ, और वो उसको नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी फ्लैश हो गया था, इसलिए मैं सीधा भागता रहा। अब यहाँ पर गाइस देखना, यहाँ पर वो छुप के बैठा था, मैं ऊपर जाकर सीधा इसको हेडशॉट चिपका देता हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों को फिनिश कर देता हूँ, और इनका सामान लूट लेता हूँ। और गाइस जस्ट इसके बाद थोड़े बहुत गोलियों की आवाज आती है, यहाँ पर मेरे को 2 बंदे आपस में फाइट करते हुए मिलते हैं, तो मैंने थोड़ा वीडियो को लिप हटा दिया। अब यहाँ से मैं सीधा नहीं भागने वाला हूँ, गाइस देख रहे हो कहाँ से मैं एकदम कवर टू कवर जाने वाला हूँ। यहाँ पर 3 पेड़ है, और यहाँ पर मेरे को सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि 2 पेड़ का एकदम कवर लूँ, और मैं एक भी ग्लू वॉल का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जितना कम यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका गेम प्ले इंक्रीज होगा। अब मुझे पता है गाइस, ऊपर बंदा छुप के बैठा, और यहाँ पर मैं फ्लैश बैंक का यूज़ करता हूँ, एकदम खतरनाक उस पर फ्लैशबैंक हो जाता है, पागल हो जाता है, वो एकदम बौखला जाता है। और उसके बाद मैं इसको सीधा जाके एकदम हेडशॉट चिपका देता हूँ, और ये डाउन हो जाता है। मुझे लगता है उस कॉर्नर में भी कोई बैठा होगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और ये फिनिश हो जाता है। और गाइस इसी के साथ ब्राजीला का गेम खत्म हो जाता है। यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाता हूँ इधर उधर बंदे ढूंढने के लिए, और यहाँ पर जैसे ही मैं ब्लू जोन के अंदर जाता हूँ, एक बंदा स्पॉट होता है मैप के अंदर, और मैं यहाँ से सोच रहा होता हूँ कि यहाँ पर मैं गाड़ी रखूँगा तो मेरी फूट जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही मेरी गाड़ी सेफ होती है, और यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ, एक बंदा स्पॉट होता है, और जैसे ही इसको हेडशॉट चिपकाता हूँ मैं, ये डाउन हो जाता है। लेकिन मेरे को पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, शायद कोई खतरनाक से स्किन वाली AK वगैरह लेके आ मार रहा है मुझे, या फिर ग्रोजा होगी शायद। तो यहाँ पर मेरे को बंदा स्पॉट होता है वो पेड़ के पीछे, और मैं सोचता हूँ यहाँ से अगर मैं उसको फाइट लूँगा ना, तो वो गाड़ी फोड़ सकता है। और यहाँ पर मैं उसको एकदम खतरनाक हेडशॉट मारता हूँ, जैसे ही मेरे को फिस करता है सीधा इनस्कोप हेडशॉट मार देता हूँ। इसको मैं पूरा फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक बंदा था। और जैसे ही मैं इसको मारता हूँ, मुझे पता है इसके बंदे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, किसी ने लाइक कर दिया। और यहाँ से मैं गाड़ी लेके यहाँ पर मैं डबल डोर के अंदर पहुँच जाता हूँ। और गाइस अब मुझे पता चलता है कि पीछे से बंदे रश करने वाले हैं मेरे पे, और मेरे को लग रहा था ये अलग ही स्क्वाड है। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको डैमेज दिया, इसने बंदे ने बहुत जल्दी ग्लू वॉल मार लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा लग रहा है, और मुझे लग रहा था ये पूरी स्क्वाड के साथ आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी इसकी गन फायर सुनी थी। अगर ये सारे बंदे एक साथ मेरे को डबल डोर पर रश कर देंगे, तो मेरे को नेड वगैरह से मार देंगे, तो जितने में वो हील करेगा या फिर मेरे पर रश करेगा ना, इतने में मैं पीछे की साइड में भाग जाऊँगा। तो गाइस ये देखना,
कि अगर डबल डोर या छोटे हाउस के अंदर कभी आप फंस जाओ ना और बहुत सारे बंदे आप रश कर रहे हो तो कभी नहीं बचने वाले, चाहे कितना ग्लू वॉल वगैरह यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि पीछे आ गया जितने वो हील करेगा, और यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है लेफ्ट साइड से ऊपर की साइड में आने वाला होता है। और गाइस ये बंदा मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, मैं ग्लू वॉल मार के ऊपर की साइड में चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को हाइट एडवांटेज मिलेगा, और यहाँ से वो सीधा भाग के आता है। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं इसको भी हेडशॉट चिपका देता हूँ और इसको मैं पूरा फिनिश करता हूँ। और तभी मेरे को पता चलता है मैप के अंदर, देखो गाइस पीछे भी एक बंदा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं रहूँगा तो इसके बंदे या फिर पीछे वाली अलग टीम के बंदे मेरे पे रश कर देंगे, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे पास 4 ग्लू वॉल ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इतने में वो पीछे वाले आ जाएंगे। और जैसे ही मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे यहाँ पर एक ग्रीन क्रिमिनल स्पॉट होता है, और जैसे ही मेरे को स्पॉट होता है इसको मैं चिपका देता हूँ बॉडी शॉट, और इतने में डाउन हो जाता है। शायद ये पीछे से मार खा के आया था, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि पीछे से लेफ्ट साइड में की बजाय राइट साइड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है और अगर मेरे को कोई ओपन में मारेगा तो मेरे को इजिली मार नहीं पाएगा। और यहाँ से मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, और मेरे को उस घर के पीछे ना जो डबल डोर है उसके पीछे एक बंदा स्पॉट होता है, और यहाँ पर मेरे को एक बंदा रिवाइव कर रहा होता है। और यहाँ पर मैं इस बंदे को इतना गंदा हेड चिपकाता हूँ ना यार, एकदम एम हेड के ऊपर है, एकदम कितना भी पॉज करके देख लो गाइस, एकदम हेड के ऊपर है, लेकिन पता नहीं गोलियाँ इसकी इधर उधर जा रही है, गन कैसी है किंगफिशर। और यहाँ पर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, और उसके बाद मैं इस पर रश कर देता हूँ, और यहाँ पर ये बंदा रिवाइव कर रहा होता है, और इसको मैं पूरा रिवाइव नहीं मतलब हील कर रहा होता है, और यहाँ पर मैं इसको डाउन करता हूँ। और एक बंदा मेरे को ओपन में जाता हुआ दिखता है, इसको भी मैं चिपका देता हूँ बॉडी शॉट, और ये डाउन हो जाता है। अब मुझे पता गाइस ऊपर 2-3 बंदे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ऊपर के साइड से, और बहुत सारे बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर अगर वो नीचे आ जाएंगे तो मेरे को इजीली मार देंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं अकेला बंदा हूँ या मेरी पूरी टीम है, तो वो मेरे को इतना जल्दी नहीं आने वाले हैं नीचे। लेकिन मैं यहाँ से दिमाग लगा के पीछे की साइड में भाग जाता हूँ, और मेरे को यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ओपन में डाउन था मेरे को लगा था हील हो जाएगा, लेकिन उसका भी मेरे को अभी किल आने वाला है, तो उसका भी मेरे को अभी किल आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ गाइस, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से अगर जाता तो भी मैं मरता, अब राइट साइड से जाऊँगा तो भी मैं मरूँगा, तो बहुत ज़्यादा डिसीजन है ना जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि अगर देखो गाइस जो डबल डोर है उसकी साइड में कोई भी जगह नहीं है, ओपन एरिया है, ऊपर से ही मेरे को पड़ सकती है, राइट से ही मेरे को पड़ सकती है। अब यहाँ पर मेरे को राइट साइड में भी बंदे स्पॉट होते हैं, अब गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, 11 किल हो चुके हैं मेरे को, लेकिन हर साइड से मेरे को पड़ने वाली है। अब गाइस देखो एक बंदा ओपन में जा रहा था, मैं सोच रहा था जैसे इसको मारूंगा तो लेफ्ट साइड वाले बंदे मेरे को मारने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कार का जो कवर होता है इसको लेके आ जाता हूँ, लेफ्ट साइड वाले बंदे मेरे को मार रहे हैं लेकिन मैं कंप्लीटली उनको इग्नोर कर रहा हूँ। इस यहाँ पर ओपन में आती मैं उनको ग्लू वॉल वगैरह लगा देता हूँ, लेकिन मुझे वो पता है कि वो पीछे वाले बंदे मेरे को ग्लू वॉल वगैरह तोड़ देंगे, और 3 ग्लू वॉल कब चली जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जोन भी यहीं पर नहीं बनने वाला तो यहाँ से मेरे को दूर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सामने वाले राइट से मैं एकदम से गोली पड़ती है, और एकदम खतरनाक रिएक्शन के साथ मैं ग्लू वॉल मारता हूँ, और वो बंदा पता नहीं स्काइलर वगैरह मारता है लेकिन पहुँचता नहीं है यहाँ पर, लेकिन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। अब ये एक बंदा वहाँ पर हील कर रहा है ओपन के अंदर, और यहाँ पर एक बंदा राइट में है, अब जोन आने वाला गाइस 30 सेकंड के अंदर जोन आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी गाइस, क्योंकि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ही बाहर निकलूँगा तो मेरे को राइट साइड से पड़ेगी और लेफ्ट साइड से पड़ेगी, और पीछे से मेरे को जोन आ जाएगा, और जैसे जोन आएगा और यहाँ पर मैं एक बंदे को डैमेज देता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। अब मुझे पता है कि राइट वाला बंदा मेरे को नहीं मार रहा है, तो यहाँ पर मैं दूर वाला बंदे को मार के मतलब उनका किल वगैरह ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ। अब गाइस देखो टूर्नामेंट वाला गेम बन चुका है लगभग, लेकिन मैंने उनको डैमेज दिया है, लेकिन सामने से एक बंदा डैमेज देता है, अब मेरे को पीछे से भी डैमेज देता है। अब गाइस देखो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होने वाली है। अब गाइस देखो कि आप क्या करोगे, एक बंदा पीछे से आपको मार रहा है, आपकी ग्लू वॉल तोड़ने वाला है, टूटने वाली है ग्लू वॉल, यहाँ से स्काइलर मार रहा है, यहाँ से मैं जोन के पीछे चल जाता हूँ, अब मेरे को पीछे से गोली पड़ रही है, और यहाँ से सीधा एकदम हेडशॉट मार के सीधा भागता हूँ कि पीछे से मेरा पैन कवर कर देगा, और यहां से एकदम ओपन के अंदर लेफ्ट से पड़ रही है पड़ने दो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा पैर मेरे को बचा लेगा, लेफ्ट में सीजन 2 वाला बंदा मेरे को मार रहेगा। अब यहां पर मेरे को इसको मैं फिनिश कर देता हूं। अब यहां पर मेरे को पता चलता है कि ज्यादातर बंदे लेफ्ट साइड में ही है, क्योंकि वहां पर मैंने स्पॉट किए थे, लेकिन राइट साइड में कोई भी होगा मुझे नहीं पता है। अब गाइस यहाँ पर हील वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर बंदा स्पॉट करता हूँ, और यहाँ पर ये इनहेलर वगैरह मारा था भाग के, लेकिन ये MP40 में डैमेज किया इतना कम कर दिया मेरे को नहीं पता, या फिर उसके बाद ज़्यादा ही खतरनाक कुछ है पता नहीं मेरे को। लेकिन यहाँ से मैं गाइस देख रहे हो नेड अगर मैं सामने से ओपन में जाके फेंकता ना तो मेरे को कहीं से दूर से भी पड़ सकती थी, मैं पीछे आता हूँ ताकि मेरे को डैमेज कम से कम पड़े, और यहाँ पर मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ क्योंकि वो बंदा पूरा ग्लू वॉल के अंदर आ चुका है, लेकिन मेरे को दूर से डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर मेरे को इसको 96 का डैमेज मैंने इसको नेड से दे रखा है। अब गाइस मुझे लग रहा था ये बंदा मेरे को नेड फेंकने वाला है, तो मैं पीछे आ जाता हूँ, और मेरी ग्लू वॉल वगैरह बन चुकी है, तो एक ग्लू वॉल का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ओपन में मैं लड़ रहा हूँ, दूर से बंदा मेरी ग्लू वॉल तोड़ने वाला था, तो मैं उसको डैमेज दे देता हूँ ताकि वो मेरे को ना मारे। अब
यहाँ से गाइस देखो ये सीजन टू वाला बंदा आ चुका है और यहाँ पर मेरे को रश करने आता है और यहाँ पर मैं एक भी गोली नहीं लगती है और यहाँ पर मैं पीछे की जंप करता हूँ और इसको हेडशॉट चिपका देता हूँ और मेरी ग्लू वॉल टूटने वाली है गाइस देख रहे हो। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से डिसीजन लिया कि यहाँ पर मेरी ग्लू वॉल तो टूट जाएगी तो मैं पीछे वाले से फाइट नहीं ले सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, लूट बॉक्स को जल्दी से लूट के इसकी ग्लू वॉल वगैरह ले लेता हूँ, सबको जो भी मिले जल्दी से ले लेता हूँ और ग्लू वॉल लेते ही मैं यहाँ पे आगे मार देता हूँ ताकि मेरे को ऊपर से कोई भी हेडशॉट ना मार पाए क्योंकि ऊपर से बहुत जल्दी हेडशॉट लगता है और मेरे को जल्दी से जल्दी ग्लू वॉल चाहिए थी। तो मैं जल्दी जल्दी में क्या देख रहे हो, इतनी जल्दी सामान लूटा कि मेरी जो MP40 थी उसकी जगह भी M4A1 हो चुकी है, लोल हो गया मेरे साथ और सामने वाले बंदे को मैं हेडशॉट मारता हूँ। मेरे को पता है एक लेफ्ट में बंदा है, यहाँ पर मैं ग्लू वॉल मारी थोड़ी सी ग्लिच हुई, अब राइट वाले बंदे को किसी ने ऊपर वाले ने मार दिया है, अब इसको मैं सीधा मार देता हूँ। अब ये बंदा काफी ज्यादा डैमेज था तो इजिली मर गया। अब मेरे पास दोनों लॉन्ग रेंज गन है, अब ये बंदा ओपन में था, मेरे पास कोई ग्लू वॉल नहीं है, शायद उसके पास भी नहीं थी और इसको भी मैं कैसे ना कैसे करके हेडशॉट चिपका देता हूँ और इसके साथ बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन वाली गेम क्रूशियल गेम का बुया हो जाता है। सो गाइस कैसा लगा आपको गेम प्ले, कैसे लगी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट सेक्शन में बता देना, डिसीजन मेकिंग कैसा लगा, कैसे आपको फाइट करनी है, कब नहीं करनी है, कब क्या करना है, कब ग्लू वॉल का यूज करना है, कैसे नेड फेंकना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम था ये। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।